सो कैसे हो गाइस, स्वागत है आप सभी का। मैं जानता हूँ कि पिछला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था समझने के लिए, और अपने आप लोगों ने अपने दिमाग के 13,000 घोड़ों को एक साथ दौड़ाने के बाद भी घंटा भी पूरा का पूरा चैप्टर नहीं समझ पाए होंगे। सो गाइस, होता है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे आ जाते हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे के अंदर लिखा हुआ होता है। इवन पढ़ने वाले की हालत ख़राब हो जाती है तो समझाते वक्त तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। सो मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जितना समझ आ रहा है उतना समझो, और जो समझ नहीं आ रहा उसे स्किप कर दो, क्योंकि एक स्टोरी को सुनने का और समझने का यही सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है। जिससे जैसे फ्यूचर के अंदर हम लोग नॉवल रीड करते जाएंगे, काफ़ी सारी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो आप लोगों को सिंपल लगती जाएगी। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फेंग था उसको अपनी औकात पता चल चुकी थी, और उसको पता चल गया था कि वो इस वक्त ये जो स्टार टावर है और ये फोर्स आर्मर है इसे पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकता, और क्योंकि ये जो फोर्स आर्मर था ये कंप्लीट आर्मर था इसलिए इसको सेपरेट भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए उसकी टीचर बोलता है कि ये जो स्टार टावर है इसके अंदर काउंटलेस ट्रेजर है, तो तुम फिलहाल के लिए इनमें से काफ़ी सारे ट्रेजर ले सकते हो, और मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेजर्स जो है वो अरेंज करके रखे हैं जो स्टार टावर प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ उसके जो टीचर होते हैं वो अपने हाथों को फ्लिप करते हैं, उनके हाथों को फ्लिप करती है, उनके हाथों के अंदर एक यूज सा मैप आ जाता है, और ये जो मैप था ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ये इतना ज़्यादा बड़ा था कि उनकी जो 10 किलोमीटर लंबी चौड़ी शिप थी वो भी इस मैप के अंदर एक छोटे से डॉट के समान दिख रही थी। और गाइस, साथ ही जो मैप था इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी हम लोगों को निकलते हुए दिख सकती थी। ये जो एनर्जी थी ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो जो बाहर स्टार टावर के अंदर जो सील स्टार नीचे गिर रहे थे वो उस सील स्टार के एनर्जी को ऑलरेडी एग्जिट कर चुकी थी। ये जो स्टार मैप था ये एक ट्रू ट्रेजर था, और इस स्टार टावर मैप की ये खासियत थी कि ये जो स्टार मैप है ये अपने अंदर काफ़ी सारे सील स्टार्स को स्टोर कर सकता है या फिर मेल्ट कर सकता है। अगर आपको काउंटलेस सील स्टार की एनर्जी एक साथ यूज़ करनी हो तो आप इस स्टार मैप का यूज़ कर सकते हो। उसके टीचर बोलते हैं इसकी और भी काफ़ी सारे फायदे हैं, लेकिन एक बार जब तुम इसके मास्टर बन जाओगे और धीरे धीरे करके इसको यूज़ करना शुरू करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ है ये कितनी ज़्यादा स्पेशल है। वो जो यूथ सा मैप था वो एकदम से छोटा हो जाता है, और उसी के बाद फोल्ड होते हुए लू फेंग के हाथों के अंदर आ जाता है। लू फेंग उस मैप को रिसीव करता है और उसके मैप के अंदर एक छोटी सी अपनी कॉन्शियसनेस की एनर्जी डालता है, और साथ ही साथ उसके ऊपर अपना एक स्पिरिट इम्प्रिंट लगा देता है। और जैसी ये जो चीज़ होती है इसके अंदर लू फेंग ने अपनी स्पिरिट इम्प्रिंट लगाई थी, ये जो मैप है ये पूरी तरीके से लू फेंग के माइंड के अंदर बनना स्टार्ट हो चुका था, और उसको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो चुकी थी। लू फेंग को समझ आ चुका था कि जो मैप है ये इटसेल्फ एक ट्रेजर है, ये जो मैप है ये अपने अंदर काफ़ी सारे सील स्टार को ऑब्जर्व कर सकता है और मोल्ड कर सकता है, मतलब काफ़ी सारे सील स्टार की एनर्जी को एक साथ यूज़ कर सकता है, और लगभग लगभग ये जो मैप है ये अपने अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा सील स्टार को गैदर कर सकता है। और लू फेंग समझ सकता था कि अगर एक बार ये जो स्टार मैप है इसने 1 लाख सील स्टार को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया तो ये सच्ची में एक इनविंसिबल ट्रेजर बन जाएगा, शायद से कोई यूनिवर्स मास्टर भी इससे डिफेंड नहीं कर सकता अगर एक बार इसे अटैक किया जाए तो। क्योंकि गाइस, आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि एक सिंगल सील स्टार के अंदर की पावर कितनी ज़्यादा होती है, और जब 1 लाख सील स्टार्स को एक साथ कंबाइन करके अटैक किया जाएगा तो उसकी अटैक की पावर आप खुद ही सोच लो। तभी जो लू फेंग की न्यू टीचर होता है वो उसे बताता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेजी था, इसके वजह से मैं ये जो स्टार्स है इनका और ज़्यादा अच्छा खासा यूज़ नहीं निकाल पाया, और मतलब मैं इन लोगों के लिए मतलब इनको डिवाइड भी कर सकता था कि 100 स्टार तुम पहले कंट्रोल करो, फिर 1000, फिर 1 लाख ऐसा कुछ, लेकिन मैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेजी था इसलिए मैंने इस मैप को क्रिएट कर दिया। अभी इस मैप की मदद से तुम जितने चाहे उतने स्टार्स को कंट्रोल कर सकते हो। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो थैंक यू बोलता है अपने टीचर को और बोलता है कि मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल रहूँगा। तभी उसके टीचर लू फेंग को बताता है कि भले ये जो स्टार मैप है इसके अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा सील स्टार रह सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि जो स्टार टावर है ये इटसेल्फ काफ़ी सारे सील स्टार से बना हुआ है, तो इसलिए ये जो सील स्टार है ये इस स्टार टावर के इंपॉर्टेंट पीसेज है, तो अगर तुम इन सब लोगों को एक साथ सेपरेट कर दोगे तो शायद से इस स्टार टावर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल के लिए तुम इनमें से 10,000 को यूज़ कर लो, क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ कि जो स्टार टावर है इसके अंदर 10,000 सील स्टार ऐसे हैं जो पूरी तरीके से वेले हैं और उनका कोई भी यूज़ नहीं है इसके अंदर, तो फिलहाल के लिए तुम उनको यूज़ कर सकते हो। एक बार तुम इस स्टार टावर को और अच्छे से समझ जाओ और इसके मास्टर बन जाओ उसके बाद तुम बाकी सारी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली गाइस, जो लू फेंग है वो ऑलरेडी इस स्टार टावर का मास्टर बन चुका है, लेकिन अभी भी जो लू फेंग है उसने इस स्टार टावर की पूरी ट्रू पावर्स को नहीं जाना है और इसको अभी तक पीक तक हिट नहीं किया है, इसलिए जो उसके टीचर है वो उसको मना कर रहा है कि इसके
इतनी ज़्यादा सांस को बाहर निकालना भी ठीक नहीं होगा। और वैसे भी गाइस इसके अंदर से अगर लो फेंग 10 स्टार्स को भी यूज़ करता है ना, तो वो इतने हो जाएंगे कि लो फेंग आराम से अपनी फाइट्स को जीत सकता है। इवन अगर वो 10,000 या 500 स्टार को भी यूज़ किए ना, तो वो आराम से किसी भी नाइट लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर सकता था। तो वो अगर 1,000 स्टार के करीब का यूज़ करेगा तो वो किसी भी नाइट वॉरियर को मार भी सकता है आराम से। और वैसे भी जब तक तुम इस पूरे के पूरे स्टार टावर को कंट्रोल करना सीखोगे, उससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इन छोटे छोटे स्टार्स को कंट्रोल करना सीखो और इनसे अटैक करना सीखो। क्योंकि अगर तुम इन छोटे छोटे स्टार से अटैक करना सीख गए तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो पूरा का पूरा स्टार टावर है ये स्टार से ही फॉर्म हुआ है। और अगर एक बार तुम इस पूरे के पूरे स्टार टावर को कंट्रोल करना सीख गए तो तुम इस पूरे के पूरे स्टार टावर को एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होगी कि उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होगा शायद ही उससे कोई बच पाएगा, और जो उसका वीकेस्ट अटैक होगा वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि वो आराम से एक पैनिकल लेवल के नाइट को आराम से मार सके। और तुम उससे भी ज़्यादा एनर्जी ट्रिगर कर सकते हो, तो वो टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो स्टार टावर है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तुम जितनी चाहे उतनी एनर्जी इसके अंदर से ट्रिगर कर सकते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें टोटली तुम्हारे एंटायर टैलेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तभी जो लो फेंग होता है वो अपने टीचर से पूछता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मैं ये जो एंटायर स्टार टावर है इसकी एनर्जी को कब ट्रिगर कर पाऊँगा पूरी तरीके से। तभी जो उसके टीचर होता है वो पूछता है, क्या तुम्हें पता है ये जो एनर्जी वर्लपूल है ये क्या चीज़ है। तभी जो लो फेंग होता है वो बताता है, हाँ इस स्टार टावर के अंदर 9 एनर्जी वर्लपूल्स है, और जो वर्लपूल्स है ये इतने ज़्यादा पावरफुल है कि इवन नाइट लेवल के वॉरियर्स भी अगर इसके अंदर गिर गए तो वो मारे जाएंगे। तभी उसके टीचर बताते हैं कि जो 9 एनर्जी वर्लपूल्स है ये एक्चुअल में एक एनर्जी सोर्स है इस पूरे के पूरे स्टार टावर का, और ये जो 9 वर्लपूल्स है ये पूरे के पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को अपने अंदर सक करते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते रहते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये कभी भी नहीं रुकता। तो तुम खुद इटसेल्फ खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो चीज़ है ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और क्योंकि तुम्हें पता है कि पूरे के पूरे एंटायर यूनिवर्स के अंदर अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसी की वजह से जो स्टार टावर है ये डे बाई डे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है। और मुझे खुद को भी नहीं पता कि कब तुम इस एनर्जी की पूरी के पूरी पीक एनर्जी को ट्रिगर कर पाओगे। तो फिलहाल के लिए तो तुम इस चीज़ के लिए भूल जाओ कि तुम कभी इस स्टार टावर की पूरी एनर्जी को ट्रिगर कर पाओगे, लेकिन अभी के लिए तुम इतना समझ सकते हो कि ये जो स्टार टावर है इसकी जो मिनिमम एनर्जी है, जब तुम इसकी सबसे ज़्यादा मिनिमम एनर्जी को ट्रिगर कर पाओगे ताकि तुम पूरे के पूरे स्टार टावर को कंट्रोल कर सको, या फिर पूरे के पूरे स्टार टावर को खुद की एनर्जी से एनर्जी प्रोवाइड कर सको, तब उस टाइम पर समझ लेना कि तुम पूरे के पूरे स्टार टावर को ट्रिगर कर पा रहे हो। लो फेंग बोलता है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और यहाँ का तो एक वर्लपूल ही काफ़ी है किसी भी नाइट लेवल के वॉरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी जो उसके टीचर होते हैं वो बोलते हैं, अरे रिलैक्स, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो मिनिमम एनर्जी है मुझे नहीं लगता कि इसकी जो मिनिमम एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा होगी, तुम शायद से उसकी मिनिमम एनर्जी को तब ट्रिगर पर करोगे जब तुम एक नाइट लेवल के ऊपर होंगे तब। इसी के बाद उसके टीचर उसे बोलता है कि फ़िलहाल मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, वैसे तो मुझे पता है कि तुम फोर्स आर्मर की रिक्वायरमेंट्स को अभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि तुम स्टार टावर को अभी से यूज़ कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा कि जब तक तुम इस स्टार टावर की पूरी एनर्जी को एक साथ ट्रिगर ना कर सको तब तक तुम प्लीज़ इस स्टार टावर को यहीं पर रहने दो, क्योंकि ये जो स्टार टावर है ये काफ़ी सारे एब्सोल्यूट वॉरियर्स के पूरे यूनिवर्स के अंदर अटेंशन ग्रैब करके बैठा है, और इवन यूनिवर्स मास्टर लेवल के वॉरियर और इवन मेरे लेवल के वॉरियर्स भी इस स्टार टावर के लिए पूरी तरीके से पागल है, क्योंकि ये जो स्टार टावर है ये एक हेवनली ट्रेजर है जो कि किसी भी लेवल के वॉरियर को पूरी तरीके से एक जन्नत के नसीब करा सकता है। और अगर किसी को गलती से भी पता चल गया कि तुम इस स्टार टावर के एक कर्ता धर्ता बन चुके हो या फिर तुम ओनर बन चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ किसी के लिए भी सही होगी, इवन तुम्हारे साथ साथ पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर असर पड़ सकता है। क्योंकि मेरे लेवल का वॉरियर या फिर एक यूनिवर्स लेवल का वॉरियर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को पलक झपकते ही ख़त्म कर सकता है, तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली के साथ साथ तुम्हारे लोग सबके सब मारे जाएंगे बस एक छोटी सी चीज़ के लिए, और इस तबाही से कोई भी नहीं बच पाएगा। इवन जो तुम्हारे टीचर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि इस वर्ल्ड के अंदर मेरे लेवल के भी कहीं ना कहीं लोग होंगे जो कि इस चीज़ से ट्रिगर्ड होके आ सकते हैं।
क्योंकि लोफेंग के पास ऑलरेडी उसके शावो विंग्स थे, और उसके जो शावो विंग्स थे वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा पावरफुल थे, वो किसी भी नाइट को पूरी तरीके से पागल कर सकते थे अपने पीछे। और रही बात यूनिवर्स मास्टर की, तो वैसे तो उन लोगों को शावो विंग्स या फिर किसी भी टाइप के विंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्लाई करने के लिए, लेकिन स्टिल जो यूनिवर्स मास्टर है वो शावो विंग्स को काफ़ी अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते थे। लेकिन ये जो स्टार टावर है, जैसे कि उसके टीचर ने बताया था, इवन इस वर्ल्ड इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होगा वो भी इस स्टार टावर के लिए पागल हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे इस स्टार टावर की भी स्ट्रेंथ बनेगी, और इस स्टार टावर की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि अभी तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं खुद इस स्टार टावर की स्ट्रेंथ को नहीं नाप सकता। और मैं तुमसे कहूँगा कि इन सारी चीज़ों के बारे में तुम अपने यूज एक्स फाउंडर या फिर प्राइमल चॉस सिटी लीडर अपने टीचर को भी ना बताओ, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चला तो वो तो ह्यूमैनिटी के रक्षक है, तो उनके सर के ऊपर ह्यूमैनिटी का काफ़ी लंबा चौड़ा बोझ है। अगर उन्हें गलती से भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो वो सोचेंगे कि तुम अभी इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक हो, तो इसलिए जो तुम्हारे टीचर है वो हो सकता है कि ये जो स्टार टावर की अथॉरिटी है वो किसी और को दे दे, जैसे कि यूज एक्स फाउंडर को। और वो हो सकता है जो यूज एक्स फाउंडर है वो इस स्टार टावर को खुद के लिए इस्तेमाल करे। मतलब कुल मिला के वो लो फेंग को समझेंगे कि जो लो फेंग है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है इस स्टार टावर के लिए, और लो फेंग से जो स्टार टावर है वो लेके किसी और को दे देंगे जो कि इसके कैपेबल हो। और ये जो जो टीचर थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि जो लो फेंग का स्टार टावर है, जो उसका खुद का ट्रेजर है जिसके लिए उसने इतने हज़ारों सालों तक तपस्या की है, वो कोई और लेके जाए। इसलिए वो लूफेंग को सजेस्ट करते हैं कि अनटिल और अनलेस तुम अपने टीचर के लेवल के नहीं हो जाते, तब तक मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इस स्टार टावर को यहीं पे रहने दो। भले तुम इस स्टार टावर के अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें लेके जा सकते हो अपने लिए, लेकिन इस स्टार टावर को तुम अभी के लिए यहीं पर रहने दो। इसी के बाद वो जो पर्सन होता है वो लूफेंग को बताता है कि फ़िलहाल तुम्हारे पास तीन ट्रेजर है। जो पहला ट्रेजर है वो मैंने तुम्हारे अंदर खुद देखा है, जो तुम्हारी एनर्जी है वो पूरी तरीके से कैमोफ्लेज हो जाती है, मतलब कोई भी नॉर्मल पर्सन तुम्हारे आर पार नहीं देख सकता, इवन नाइट लेवल का वॉरियर भी तुम्हारे आर पार नहीं देख सकता, कोई यूनिवर्स मास्टर लेवल का वॉरियर भी तुम्हारे आर पार अच्छी से देख सकता है कि तुम्हारा ट्रू लेवल क्या है। वो तुम्हारा सबसे पहला फर्स्ट ट्रू ट्रेजर है जो कि तुम्हें तुम्हारे प्राइमल चॉस सिटी लीडर ने दिया था, मतलब तुम्हारे टीचर ने दिया था। भले ये जो ट्रेजर है ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन स्टिल ये जो ट्रेजर है ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। इवन इस ट्रेजर के लिए नाइट लेवल के वॉरियर भी काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाते हैं, तो ये तुम्हारा फर्स्ट ट्रेजर हो गया। उसके बाद रही बात तुम्हारी सेकेंड ट्रेजर की, तो वो सेकेंड ट्रेजर इस टावर के टावर पर्ल्स है जो कि लो फेंग ने उठाए थे। और जो टावर पर्ल्स है इसको अगर वो अपने सोल के साथ मर्ज करता है तो उसकी जो सोल एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, इवन वो इस स्टार टावर के जो काफ़ी सारे फॉरबिडन स्पेसेस है उनको भी कंट्रोल कर सकता था, और उसके अंदर काफी सारी सीलिंग एबिलिटीज भी आ जाती। और वैसे भी इस स्टार टावर का जो सील स्टार है उसकी सबसे बड़ी पावर ही यही है कि वो किसी भी लेजेंडरी लेवल के वॉरियर को भी अपने अंदर सील कर सकता था। तो ये जो पेरल है ये इटसेल्फ एक ट्रेजर है, और अगर एक बार कोई पर्सन इसको अपने सोल के साथ मर्ज कर दे तो उसके बाद ये उसके सोल को भी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता था किसी भी अननोन डिफेंस से। जैसे कि अगर लो फेंग इस सोल पर्ल को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर देता है तो हो सकता है कि सामने से आने वाले जो सोल अटैक्स है उसकी बॉडी अपनी सोल को इस चीज़ से काफ़ी हद तक बचा ले। वो लूफेंग को बताता है कि इस चीज़ को जब तुम अपने आत्मा के साथ फ्यूज़ करोगे तो हो सकता है उस वक्त तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेन हो, लेकिन एक बार जब ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो तुम्हारे तुम्हें जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेंगे। और जो थर्ड चीज़ जो थर्ड ट्रेजर है तुम्हारे पास वो एक स्टार मैप है जिसके थ्रू तुम इस स्टार टावर के काफ़ी सारे स्टार्स को एक साथ ट्रिगर कर सकते हो और एक साथ फ्यूज़ करके उनकी जो पावर है उसका यूज़ कर सकते हो। और इवन अभी तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं कह सकता हूँ कि मतलब जर्नल सोल को ऑब्जर्व करने के बाद तुम लगभग लगभग 10 स्टार्स को खुद से भी यूज़ कर सकते हो, मतलब बिना किसी स्टार मैप के, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और क्योंकि ये सारे जो ट्रेजर्स है ये पूरी के पूरी यूनिवर्स के अंदर काफ़ी कम लोगों ने देखे हैं, मतलब किसी ने ना के बराबर में ही देखे होंगे, तो पूरी के पूरी यूनिवर्स के अंदर शायद ही कोई इन सारे छोटे मोटे ट्रेजर्स को इतने आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएगा। जब तक तुम इन सारे ट्रेजर्स को उनकी फुल पोटेंशियल तक यूज़ नहीं करते तभी जो लूफेंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाता है। तभी उसके टीचर होता है वो बोलते हैं ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो तीनों ट्रेजर्स है ये काफ़ी ज़्यादा लो ट्रेजर्स है, इवन ये स्टार्स हैं टावर के सामने मेंशन करने के भी लायक नहीं है। तुम्हारा जो स्टार टावर और फोर्स आर्मर है वो इसके सामने इनकी औकात बहुत बड़ी है,
तभी जो लो फैंग होता है वो स्माइल करते हुए बोलता है, ओके टीचर, मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मैं फोर्स आर्मर और स्टार टावर को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकूँ। तभी जो उसके टीचर होता है वो मुंडी हिलाता है। उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लो फैंग और पोटी होता है वो वापस से बोर्ड के ऊपर बैठ जाता है, और उसी के बाद उसके जो टीचर होता है वो उन्हें वापस से श्राइन की तरफ वापस लेके जाने लग जाते हैं, और वो कुछ ही टाइम के अंदर पहुंच जाते हैं। भले ही आने के लिए उन्हें 1 से 1.5 दिन का टाइम लगा था, क्योंकि वो आराम आराम से आ रहे थे लाइट के स्पीड के साथ भी, लेकिन जाने के लिए शायद से ही उन्हें कुछ सेकंड्स भी लगे होंगे। वही जो लो फैंग होता है वो रास्ते में अपने टीचर से ये भी पूछता है कि उसके पास ऑलरेडी 2 फ्रेगमेंट्स है 9 वॉल्यूम मैनुअल के, क्या उसे पता चलेगा कि बाकी के जो मैनुअल्स है वो उसे कहाँ मिलेंगे। उसके टीचर उसे बताते हैं कि जो 9 वॉल्यूम्स है ये किसी के भी जीन्स को इवॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं एक स्पेशल लाइफ फॉर्म के अंदर। और रही बात लो फैंग की, तुम्हारे जो जेनेटिक्स है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अपसर्ड है, और तुम ऑलरेडी काफ़ी सारे काउंटलेस ट्रेजर की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हो, इसलिए जब इन सारी चीज़ों को तुम ये कर लोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे पास काफ़ी सारे स्पेशल ट्रेजर और अट्रैक्ट कर पाए, लेकिन ये सारी जो स्पेशल ट्रेजर है वो तुम्हारे आंखों के सामने वर्दी नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेजर्स मैंने तुम्हें दिए हैं शायद ही इस पूरे के पूरे यूनिवर्स या फिर पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई और दूसरा ट्रेजर होगा जो इस ट्रेजर से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और रही बात तुम्हारे मैनुअल की, तो तुम्हारी जो नेमलेस मैनुअल है वो एक हेवनली क्रिस्टल फ्रेगमेंट्स है, और उसके टोटल 5 पीसेज है जिसके अंदर से 2 ऑलरेडी तुम्हारे पास है, और जो बाकी के 3 है वो यूनिवर्स के कुछ डेंजर रीजन्स के अंदर छुपा के रखे गए हैं, और अभी सेक्टर लॉर्ड लेवल के ऊपर जाके तुम 1 पीस ऑलरेडी जाके ला सकते हो। और रही बात दूसरे पीस की, तो उसके लिए तुम्हें नाइट बनना पड़ेगा, उसी के बाद तुम जा सकते हो। मतलब कुल मिला के अभी जब लो फैंग सेक्टर लॉर्ड लेवल के ऊपर है तो वो 1st पीस लेके आ सकता है, जब वो अनडाइंग बन जाएगा तब वो 2nd पीस ला सकता है, और जब वो एक नाइट लेवल का वॉरियर बन जाएगा तब जाके वो नेमलेस वॉल्यूम का 1st पीस लेके जा पाएगा। और उसके टीचर बताते हैं कि शायद से जब तुम 1st पीस को ला पाओगे और उसको स्टडी कर पाओगे उसके बाद मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि शायद से उस वक्त जाके तुम कहीं ना कहीं जाके इस एंटायर स्टार टावर को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाओगे और थोड़ा बहुत ट्रिगर करने के काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुँच जाओगे। इसी के बाद वो टीचर लो फैंग को बताता है कि ये जो 3 मेटल बोर्ड्स है इनके काफ़ी सारे डेंजरस कोऑर्डिनेट्स है जो कि इनके ऊपर लिखे हुए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह के ऊपर है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि डिसाइपल तुम इन सारी चीज़ों के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालना या फिर अपनी जान देने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद जो उसके टीचर होता है वो अपने हाथों को आगे करते हैं, उनके हाथों के अंदर से एक गोल्डन लाइट की बीम निकलती है जो कि सीधा लो फैंग के सर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद लो फैंग के दिमाग के अंदर वो सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, जिसके बाद जो लो फैंग होता है वो हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। और इसी के बाद जो उसके टीचर होते हैं वो कहता है कि अभी जब मेरा काम पूरी तरीके से हो चुका है और मैं ऑलरेडी तुम्हें हर चीज़ के बारे में बता चुका हूँ और 3 ट्रेजर दे चुका हूँ, तो अभी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, आफ्टर ऑल पूरी की पूरी अर्थ रेस का फ्यूचर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात स्टार टावर की, तो मैं विश्वास रखता हूँ कि तुम एक ना एक दिन ज़रूर इसको ट्रिगर कर लोगे पूरी तरीके से। उसके ये सारी बातें बोलने के बाद एकदम से जो स्पेस होता है वो हिलने लग जाता है, और एकदम से वो जो पर्सन था वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पे बस हम लोगों को 2 लोग देखने के लिए मिल सकते थे, एक लो फैंग था और दूसरा पुटाई था। इसी के बाद जो लो फैंग होता है वो पुटाई की तरफ देखते हुए बोलता है कि सीनियर, मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी टीचर के सामने, इसलिए मैं टीचर का नाम नहीं जान पाया और मैं उनसे पूछने की मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं थी। तभी जो पुटाई होता है वो क्रॉस लेग करके बैठा था और वो हंसने लग जाता है, वो बोलता है कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर शायद ही कोई उनका असली नाम जानता होगा, क्योंकि वो हमेशा एक माउंटेन के ऊपर बैठे रहते हैं तो इसलिए उनको एक माउंटेन सिटिंग गेस्ट भी कहा जाता है। और रही बात तुम्हारी 2nd सीनियर की, तो उनका नाम काओ बैन की है और उनको यूनिवर्स का एक एम्परर यान भी कहा जाता है। लो फैंग इन 2 नामों को, मतलब माउंटेन सिटिंग गेस्ट और यान शान रेस का लीडर एम्परर यान, इन 2 नामों को अपने मन के अंदर बैठा लेता है, जिसके बाद जो 3rd लीडर था अर्थ रेस का वो शायद से लो फैंग ही बन सकता था। और यही चीज़ सोचते हुए वो फाइनली पुटी के साथ हाथ बो करते हुए यहाँ से निकल जाता है। लो फैंग को जाते वक्त उसके मन के अंदर काफ़ी सारे जो ख्याल थे वो आ रहे थे, उसके मन के अंदर एक सेटिस्फेक्शन थी कि जो उसके टीचर है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट पर्सन है और वो माउंटेन सिटिंग गेस्ट के नाम से जाने जाते हैं और वो अभी पूरे यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट पर्सन का डिसाइपल है। लेकिन उनकी जो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ है वो ये है कि शायद से अभी वो मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देने वाले जब तक मैं इस स्टार टावर को पूरी तरीके से ट्रिगर ना कर लूँ।
इसी के बाद जो लो फैंग होता है वो फाइनली यहाँ से बाहर निकलने लग जाता है। लो फैंग के एक ऑर्डर के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो हज़ारों स्टार करोड़ों स्टार जो इसके स्टार टावर के अंदर फ्लोट कर रहे थे वो एकदम से लो फैंग के सामने आ जाते हैं। और लो फैंग जैसे ही कुछ स्टार्स को बुलाता है वो स्टार्स एक दूसरे के साथ मर्ज होते हुए लो फैंग के लिए एक रास्ता बनाते हैं। और जो लो फैंग के सामने सबसे पहले 10,000 सील स्टार आए थे, जो 10,000 सील स्टार थे ये सबसे ज़्यादा वेले सील स्टार थे, मतलब इनका कोई काम नहीं था। इसी के बाद लो फैंग कुछ और स्टार्स को अट्रैक्ट करता है और उसको पता चलता है कि इस स्टार टावर के अंदर कुल मिला के 16,235 स्टार ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से यूजलेस है और वो उसे ले सकता है। इसी के बाद जो लो फैंग होता है वो अपने हाथों को फ्लिप करता है, उसके हाथों के अंदर एक स्टार मैप आ जाता है जो कि अभी अभी उसके टीचर ने उसे दिया था। इसी के बाद जो लो फैंग होता है वो मन ही मन सोचता है कि उसके टीचर ने उसे कहा था कि जब तक वो इस स्टार टावर के को पूरी तरीके से ट्रिगर ना कर ले तब तक वो इसकी ज़्यादा एनर्जी को यूज़ ना करे, क्योंकि इसके मदद से काफ़ी लोगों को शायद से भनक लग सकती है कि जो लो फैंग है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ों का यूज़ कर रहा है। इसलिए जो लो फैंग होता है वो सोचता है कि वो सबसे पहले यहाँ पे 100 स्टार्स को अपने साथ लेके जाएगा। और इसी के बाद जो लो फैंग होता है वो 100 स्टार्स को इस मैप के अंदर डाल देता है। और जैसे ही ये जो 100 स्टार्स है वो उस मैप के अंदर अपीयर हो जाता है, उस मैप के अंदर एक अलग सा पैटर्न बन जाता है। जिसके बाद जो लो फैंग होता है वो सोचता है कि जब उसको अगर फ्यूचर के अंदर इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो वो वापस से स्टार टावर में आके बाकी के स्टार ले सकता है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लेके घूमो, ज़्यादा लेके कोई मतलब नहीं बनता। तो उस स्टार्ट मैप के ऊपर एक अटैक का नाम लिख के आ गया था, स्काई टियरिंग क्लॉ। लो फैंग ने जैसे इस अटैक को पढ़ा तो वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, वो समझ चुका था कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक है। तभी जो लो फैंग होता है उसको काफ़ी ज़्यादा खुजली मचने लग जाती है अपने अंदर से, उसको देखना था कि ये जो अटैक है ये किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर जो लो फैंग होता है वो इस अटैक को यूज़ करने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो अपने मन में सोचता है नेक्स्ट मोमेंट के अंदर ये जो स्काई टियरिंग अटैक था ये होना स्टार्ट हो जाता है। उसके जो मैप था उसके मैप के अंदर से कुछ काफ़ी सारे स्टार्स की लाइट निकलती और लगभग लगभग 600 से ज़्यादा लाइट की बीम्स निकलती है जो कि गोल्ड कलर की थी। और इसी के बाद वो बाहर आती है और एक क्लॉ का शेप ले लेती है और सामने की तरफ काफ़ी हद तेज़ी से वाइप आउट कर देती है, जिसकी वजह से इवन जो स्पेस था वो भी पूरी तरीके से फट चुका था। और गाइज मैं आपको लोगों को बता दूं कि ये जो अटैक अभी अभी लो फैंग ने किया था इसके अंदर उसने बस लगभग लगभग 6 छोटे स्टार्स का यूज़ किया था, और ये जो 6 छोटे स्टार्स थे ये इतने ज़्यादा पावरफुल स्टील स्टार्स थे जिसकी मदद से ये जो अटैक था वो इतना पावरफुल हो गया था इवन आसपास का जो पूरा स्पेस था वो पूरी तरीके से फट चुका था। जैसे वो उसने इन सारे अटैक्स को देखा था इसी के बाद वो एक छोटे बच्चे की तरह उछल रहा था, उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सारी चीज़ें करने के लिए। उसी के बाद वो सोचता है कि जो स्टार मैप है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए मैं इस स्टार मैप को अपना खुद का एक नाम दूंगा। और इसी के बाद जो लो फैंग होता है वो इसका नामकरण करता है और उसको नाम देता है स्टार डायग्राम, क्योंकि गाइस ये जो स्टार डायग्राम था इसके अंदर आप जितने ज़्यादा स्टार्स को यूज़ करोगे उन सारे स्टार्स को यूज़ करते हुए तुम अपने मदद से कोई भी अटैक को परफॉर्म कर सकते थे। और इसके अंदर काउंटलेस अटैक थे जिसको आप परफॉर्म कर सकते थे जो कि अलग अलग पावर लेवल्स के थे। इसी के बाद जो लो फैंग होता है वो अपने हाथों को फ्लिप करता है और उसके हाथों के अंदर जो उसने दो जनरल सोल्स की ली थी जो ड्रॉप्स ली थे जो कि उसने स्टार टावर से लिए थे, उन दो जनरल सोल्स के ड्रॉप को वो अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने की सोचता है, क्योंकि इसके थ्रू उसकी जो सोल थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकती थी। गाइस ये जो सोल्जर सोल होती है उसे लगभग लगभग 1,000 टाइम सेक्टर लॉर्ड की सोल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, और वही जो जनरल सोल होती है उसे लगभग लगभग 10,000 टाइम स्ट्रेंथ लगती है किसी भी सेक्टर लॉर्ड की सोल स्ट्रेंथ के मुकाबले में। तो गाइस जो लो फैंग था उसने ऑलरेडी 6,000 सोलों की मेहनत की थी जिसकी मदद से वो ऑलरेडी एक नॉर्मल सेक्टर लॉर्ड तो बिल्कुल भी नहीं रह गया था, इसलिए जो उसके टीचर थे उसने उसे बताया था कि वो आराम से एक जनरल सोल को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है। इसी के बाद जैसे ही जो लो फैंग होता है इस जनरल सोल को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, उसकी आत्मा के अंदर हम लोगों को एक ब्लड टावर देखने के लिए मिल सकता था, एक ब्लड टावर सेल टावर जो कि धीरे धीरे करके जो उसके बॉडी की आत्मा के अंदर एक छोटा सा लिटिल बीस्ट गॉड फॉर्म हुआ था उसके साथ मर्ज हो रहा था। धीरे धीरे करके वो मर्ज होता है और बाद में पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है। इसी वजह जो लो फैंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मेरा जो सोल फाउंडेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, मेरी विल पावर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अभी इसके साथ जो मेरी पावर्स है वो पूरी तरीके से लिमिटलेस है, डिफेंस के मामले के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है टावर पर्ल्स के साथ, और इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंस के साथ शायद ही अभी कोई उसके कंपेयर लेवल का उसके साथ कंपेयर कर पाएगा। और गाइस मैं अभी आप लोगों को कुछ चीज़ें शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ कि जो लो फैंग है वो अभी ऑलरेडी स्पेस लॉस के अंदर हेवनली ब्रिज 20th लेवल के ऊपर पहुँच चुका है,
और साथ ही साथ उसकी जो बीस्ट गॉड प्रेजेंस इम्प्रूवमेंट है वो भी काफ़ी तगड़ी हुई है। उसके साथ उसने नैनशन सेवेंथ फॉर्म और स्पेस लॉ को धीरे धीरे करके कॉम्प्रेंड करना सीख लिया है, और कुल मिला के नैनशन के सात फॉर्म्स के अंदर से दो फॉर्म्स को वो सीख चुका है ऑलरेडी, और वो हेमली ब्रिज 18th लेवल के ऊपर है। और स्पेस लॉस को छोड़ते हुए उसने सिक्स पिक्चर को भी कॉम्प्रहेंड करना सीख लिया है, और उसके अंदर भी वो कम से कम 18th लेवल के ऊपर है। और इसी के साथ गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, जो ल्यू फैंग है वो ऑलरेडी टेलीपोर्टेशन को सीख चुका है, और इसलिए अभी उसे किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इवन वो पहले टेलीपोर्ट होने के लिए हैवी एरो के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहता था, लेकिन अभी उसको किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहे खुद कहीं से भी टेलीपोर्ट हो सकता था। और अभी क्योंकि सब कुछ सेटल हो चुका था, तो जो ल्यू फैंग था वो जल्दी से जल्दी अपने फैमिली के पास वापस से जाना चाहता था और सबसे मिलना चाहता था। अभी तक जब ल्यू फैंग जाग गया था उसी के बाद उसका काफ़ी ज़्यादा मन था कि वो अपने फैमिली से मिले, लेकिन जैसे ही वो उठता है उसने अपने टीचर को देख लिया था जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स के एक गॉड थे, और अपने टीचर को देखने के बाद उसका मन नहीं किया। मतलब उसका मन तो काफ़ी ज़्यादा कर रहा था अपने फैमिली से मिलने का, लेकिन किसी को कैसा लगेगा कि अगर जो ल्यू फैंग था वो अगर वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क के अंदर बिजी रहता और कहीं ना कहीं उसका जो माइंड था वो एक दूसरी जगह पे लगा हुआ रहता और डिस्टर्ब रहता, तो उसके टीचर के लिए थोड़ा बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता था, और वो नहीं चाहता था कि उसकी जो फर्स्ट मीटिंग है उसके टीचर के साथ जो कि पूरे पूरे इस यूनिवर्स के करता धरता है वो इतनी ज़्यादा ख़राब जाए और उसके टीचर को लगे कि वो उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। इसलिए कुछ टाइम के लिए जो ल्यू फैंग है उसने अपनी फैमिली और बाकी सब लोगों का थॉट अपने दिमाग से निकाल दिया था। इवन कोई टीचर ऐसा नहीं चाहेगा कि जब वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में अपने डिसाइपल को बता रहा हो और उसके डिसाइपल का ध्यान उस चीज़ के ऊपर हो ही ना, तो इस चीज़ को लेके कोई भी टीचर अपने लिए काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फील कर सकता था। इसलिए फाइनली अभी सब कुछ जब हो चुका था जो ल्यू फैंग था वो फाइनली अपनी फैमिली के पास जाने के बारे में सोच लेता है। कुछ ही टाइम के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो ल्यू फैंग होता है वो ऑलरेडी स्टार टावर के बाहर निकल जाता है, और जैसे ही वो स्टार टावर के बाहर निकलता है उसको पता चलता है और वो वर्चुअल यूनिवर्स से जैसे ही कनेक्ट होता है उसको रियलाइज़ होता है कि उसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे मैसेजेस आ चुके हैं। इतने सारे मैसेजेस को देख के इवन ल्यू फैंग जो था वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। वो इस तरीके से इन मैसेज को स्क्रॉल कर रहा था जिस तरीके से हम इंस्टाग्राम के ऊपर फीड्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। इसी के साथ उसको पता चलता है कि जो उसके टीचर है प्राइमल चॉस सिटी लीडर, उन्होंने लगभग लगभग कई बार उससे कनेक्ट होने की कोशिश की, मतलब लगभग लगभग दो बार, और जो ट्रू यान है उसके जो सेकंड टीचर है उन्होंने कम से कम 9 बार उनसे कनेक्ट होने की कोशिश की। इसी तरीके से जो लू पिंग था उसने 18 टाइम्स, लू हे ने 20 टाइम्स, और जो लू हा था उन्होंने लगभग लगभग 3 टाइम्स, और जो उसके डैड थे उन्होंने भी लगभग लगभग 3 टाइम्स उससे कनेक्ट होने की कोशिश की थी, और सेम उसके मॉम के लिए। लेकिन जो जू जिन थी, जू जिन ने अभी तक उसको 38,192 टाइम्स कनेक्ट करने की कोशिश की थी, मतलब इतने सारे मेल्स भेजे थे। और ल्यू फैंग इस चीज़ को देखते हुए पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। इवन आफ्टर ऑल उसके अंदर और भी उसके काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स थे उनके भी मैसेज देखने के लिए मिल सकते थे, और काफ़ी सारे न्यू लोग भी देखने के लिए मिल सकते थे जिसने उसको काफ़ी, जो ल्यू फैंग का जो ब्लड रिवर एम्परर नाम का नेम था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, इसलिए उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा बार डिनर विनर पे और कुछ फंक्शंस के अंदर बुलाया था। इवन उसके कुछ लोगों ने उसे कुछ चीज़ें बाय या फिर सेल करने के लिए भी बुलाया था, और कुछ लोगों ने उसकी मदद भी मांगी थी, लेकिन इनमें से किसी को भी जो ल्यू फैंग है वो भाव नहीं दे पाया था क्योंकि 6,000 सालों से एक अपनी अलग ही दुनिया के अंदर था। वही जो प्राइमल चॉस सिटी लीडर होता है उनका एक सिंपल सा मेल आया था कि तुमसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस लौट के आना और मुझसे मिलना। वही जो ट्रू यान थे उनके मेल के अंदर लिखा हुआ था कि अगर तुम जिंदा बच गए तो ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं, सबसे पहले तुम अपनी फैमिली के पास जाना और उसके बाद तुम मेरे से मिलने के लिए आ सकते हो। इसी के साथ ल्यू फैंग के और भी कुछ दोस्तों का मेल आया था। वही जब वो जूजिन के मेल खोलता है तो उसको पता चलता है जो जूजिन है उसने लगभग लगभग हर एक दिन एक मेल भेजा है, मतलब 6,000 सालों के अंदर उसने हर एक दिन में 1 से 2 मेल्स उसको भेजे हुए थे। और इन मेल्स के अंदर जनरली जो जूजिन थी वो अपना दुख दर्द लिखा करती थी, और साथ ही साथ जो भी उसका पूरा का पूरा दिनचर्या हुआ या फिर पूरे दिन के अंदर जो कुछ भी घटनाएं उनके साथ होती थी वो सारी चीज़ें ल्यू फैंग से बता दिया करती थी। जब ल्यू फैंग इन सारे मेल्स को देखता तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। लेकिन ल्यू फैंग मन ही मन सोचता है कि शायद से इस वक्त जब वो वापस से अपने ल्यू फैमिली के अंदर लौटेगा तो शायद से जो उसकी ल्यू फैमिली है जिसने अभी तक जितना भी स्ट्रगल किया वो अभी पूरी तरीके से पहले की तरह हो जाएगी, और शायद से अभी पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। कुछ ही टाइम के बाद जो ल्यू फैंग होता है वो फाइनली अपने घर तक पहुंच जाता है जो कि 9 स्टार बे के अंदर था, और वहाँ पे 3 कोर रेसिडेंसीज थी जिसके अंदर से एक ल्यू फैंग की रेसिडेंसी थी, दूसरी थंडर गॉड की और तीसरी हॉन्ग एलायंस।
और 6,000 सालों के अंदर यहाँ की जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वगैरह था वो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका था। और साथ ही साथ जो लो फैंग का एशियंट विला था वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि अभी उस जो उसकी पोजीशन थी वो थोड़ी सी बढ़ चुकी थी पहले के कंपैरिजन के अंदर। अभी कोई भी नॉर्मल फैमिली मेम्बर उस विला के अंदर एंटर भी नहीं कर सकता था। वही हम लोग को लो पिंग देखने के लिए मिलता है जो कि एक स्टोन चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, और उसके हाथों के अंदर एक वाइन की बॉटल थी, और उसके आंखों के अंदर हम लोग को कुछ टीयर्स देखने के लिए मिल सकते थे। वो उस वाइन को पी रहा था ताकि वो अपने दुख दर्द को भुला सके। कुछ ही टाइम के अंदर जो लो पिंग होता है वो विला के अंदर अपियर हो जाता है, तभी वो लो पिंग को देखता है। तो जो लो पिंग था वो अपने हाथों के अंदर वो ग्लास की वाइन लेके काफ़ी ज़्यादा दर्द के अंदर था और रो रहा था। लो पिंग को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा फील होता है क्योंकि उसने कभी भी अपने बड़े बेटे को कभी भी इस तरीके से वाइन पीते हुए और इतना ज़्यादा टेंशन के अंदर कभी नहीं देखा था, क्योंकि जो उसके बड़ा बेटा था लो पिंग वो ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा काम रहता था और वो पूरे के पूरे फैमिली के अफेयर्स को वो अकेला संभालता था। लेकिन आज उसकी जो हालत हो गई है वो अपने डिप्रेशन स्ट्रेस एनजाइटी को मिटाने के लिए वाइन पीना स्टार्ट कर चुका है, और इसी के साथ साथ वो अपने कुछ सर्वेंट्स के ऊपर चिल्ला भी रहा था और सबको कह रहा था कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। तभी जो लो फेंग होता है वो पीछे से आता है और लो पिंग को बुलाता है। जैसे लो फेंग की आवाज़ आती है तो लो फेंग एकदम से शांत हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको कानों के अंदर कोई बहकावा हो रहा है या फिर उसने कुछ और गलत सुन लिया। तभी वो पीछे मुड़ता है और एकदम से उसके आँखों के अंदर से नदियाँ बहने लग जाती है। और जब वो लो फेंग को देखता है और उसके पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर और विल पावर को देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। तभी जो लो पिंग था वो पूरी तरीके से स्टन था और वो भागते हुए आता है और सडनली अपने डैड को पूरी तरीके से गले लगा लेता है। तभी जो लो फैंग होता है वो अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है, और उसी के बाद वो स्माइल करते हुए बोलता है, क्या हुआ बच्चे, तुम ड्रिंक कब से करने लग गए? तभी उसका जो बेटा होता है वो बताता है कि पापा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था और मैं इन सारी स्ट्रेस को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पा रहा था। और वो स्माइल करते हुए काफ़ी ज़्यादा कामली बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के अंदर से काफ़ी सारे आंसू टपकते जा रहे थे। कुछ टाइम लो पेंग से बात करने के बाद फाइनली जो लो फैंग होता है वो लो पेंग से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ पे है, मुझे उनके पास लेके जाओ। तभी जो लो पिंग होता है वो उसे बताता है कि वो करंटली गोल्ड मिस्ट यूनिवर्स कंट्री के अंदर गई है लूसी फैमिली से मिलने के लिए। और गाइस हम लोगों को पता चलता है कि जो लूसी फैमिली है वो लगभग लगभग जो लो फैमिली है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो लो फैंग था वो 6,000 सालों से पूरी तरीके से गायब हो चुका था, तो उनका जो लो फैमिली का जो स्टेटस था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका था। वैसे तो लोगों को पता था, मतलब जो लो फैमिली थी उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी किसी को नहीं बोला था कि जो लो फैंग है वो मारा गया है, लेकिन क्योंकि लो फैंग को 6,000 सालों से कहीं पर भी नहीं देखा गया था इसलिए मैक्सिमम लोगों ने यही सोच लिया था कि जो लो फैंग है वो मारा ही जा चुका है। इसलिए इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो लो सी फैमिली है जो कभी लो फैमिली की तरफ कभी आंख उठा के देखने की भी कोशिश नहीं करती थी, वो धीरे धीरे करके लो फैमिली के ऊपर हक जपाने की कोशिश करने लग गई थी। इसी के साथ ये जो लियो पिंग होता है वो लो फैंग को बताता है कि जो जियांटा एम्परर है उसने उसकी कुछ हरकतों को नोटिस किया था कि वो भी उनके फैमिली के ऊपर फ़ायदा उठाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि ये काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है अभी उसके सामने, क्योंकि जो लो फैंग है वो काफ़ी सारे सालों से अपीयर नहीं हुआ, इसका मतलब वो मारा जा चुका है। इसलिए वो हमारी फैमिली को जगह जगह पर फोर्स करता है ताकि जो हमारी फैमिली है वो उनके सामने घुटने टेक दे। तभी जो लो फैंग होता है वो खांसते हुए बोलता है कि मैं जिंदा हूँ या मुर्दा, लेकिन इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे फैमिली की तरफ आग उठा के देखने की भी, लेकिन अभी मैं आ चुका हूँ। जियांटा तुम मेरे को जिंदा ही देखना चाहते थे ना, तो चलो ठीक है, वक्त आ चुका है कि मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आऊँ। वही हम लोग को 9 स्टार बे लू फैमिली के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जू जिन होती है वो कुछ लोगों को अपने घर के अंदर लेके आती है, और ये जो लोग होता है वो लूसी फैमिली के लोग होता है, और ये जो लूसी फैमिली के लोग थे वो जू जिन को थोड़ा मक्खन लगाते हुए बोलते हैं कि मिस लाओ हम मिस्टर लू फैंग की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपके फैमिली लॉर्ड की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम लो फैंग की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते तो आप कभी भी कुछ भी करें, हम ऐसे अपने लोगों को बुलीड होते हुए कभी भी नहीं देख सकते, और फाइनली आप सारी हदों को पार कर चुके हो और आपने इन सारी चीज़ों के लिए कंपनसेट भी नहीं किया और माफ़ी भी नहीं मांगी। मैं ऑलरेडी आपको 2 बार बोल चुकी हूँ और ये आपके पास लास्ट मैटर है, लास्ट चांस है, अगर आपने अभी भी कंपनसेट नहीं किया तो आप देख लेना। गाइस ये जो लोग थे वो लो फैमिली के अंदर पिछले 7 दिन से नेगोशिएशन लेटर्स भेज रहे थे ताकि वो लो फैमिली को
घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सके या फिर माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर सके। इन लोगों की फैमिलीज के बीच में जो छोटे लोग थे उनके बीच में थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हुए थे, जिसके अंदर वो लो फैमिली को दोषी मानते थे और उनसे जानबूझ के उनको घुटनों पर झुकाना चाहते थे। लेकिन जो जू जिन थी उसने लो फैंग के जो गुर्दा था या फिर जो उसकी दबंगगिरी थी उसको अभी तक बरकराते हुए रखा था, और लो फैंग के होने के ना होने के बाद भी जो जू जिन थी उसने लो फैमिली को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल करके रखा था और अभी तक अपने घुटनों को नहीं टेका था। तभी यहाँ पे सबके सब जू जिन के ऊपर काफ़ी सारा फोर्स लगाने लग जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है, तुम्हें करना होगा। जो जू जिन थी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक तो उसने अपनी फैमिली की लाज बचा ली, लेकिन अभी वो क्या करेगी करके। इमिडिएटली हम लोगों को कुछ देखने के लिए मिलता है, एकदम से जिस रूम के अंदर ये लोग बैठे थे उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर से एक आदमी अंडर एंटर करता है, और जो पर्सन था ये और कोई नहीं हमारा लो फैंग था, जिसने सिल्वर कलर का आर्मर पहन के रखा था और वो एक तरीके से लीडर लग रहा था पूरी की फैमिली का। तभी वो गुस्से में बोलता है कि जो भी मेरी फैमिली को बुली करने की कोशिश करेगा उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुर्दा होगा, लेकिन आज मैं भी देखूँ कि ऐसा कौन पर्सन है जिसके अंदर इतना ज़्यादा गुर्दा है, और वो कौन से रेस का पर्सन है जिसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो मेरे घर तक आ गए। और इसी के बाद लू फैंग गुस्से में बोलता है कि जो कोई वो बता देना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं चाहूँ तो पूरी के पूरी लूसी फैमिली को एक ही सेकंड के अंदर ख़त्म कर सकता हूँ। और जो लू फैंग की आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा जोर से गूंजती है पूरी के पूरे हवा के अंदर, और जो लूसी फैमिली का हेड था वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, उसकी जो लंबी सी नाक थी वो पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी, इवन जो लू फैंग के अंदर से निकलने वाला ऑरा था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। गाइज वैसे तो जो लूसी फैमिली थी इनका उनके ऊपर एक नाइट लेवल के वॉरियर का हाथ था, मतलब जो लूसी फैमिली का यंग मास्टर था या फिर जो भी लीडर था वो एक नाइट लेवल का जो वॉरियर था वो उसका डिसाइपल था। लेकिन गाइज जो लू फैंग था इन टर्म्स ऑफ डिसाइपल के मामले में जो लू फैंग था उसकी इज्जत ज़्यादा, क्योंकि जो लू फैंग था वो एक प्राइमल जॉस सिटी लीडर का डिसाइपल था, इसलिए इनमें से किसी के अंदर भी दम नहीं था उसके सामने आने का। लेकिन जब उनको पता चला कि लू फैंग ऑलरेडी जा चुका और 6000 सालों से नहीं देखा गया, तो इन सब लोगों ने लू फैमिली के ऊपर हड़पने के लिए उनकी काफ़ी ज़्यादा नाजायज़ कोशिशें की। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जैसे ही इनके लोग लू फैंग को देखते तो वो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे, उनकी खोपड़ी घूम चुकी थी पूरी तरीके से और वो काफ़ी ज़्यादा डर भी चुके थे। यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब डर के मारे थर थर काँप रहे थे, लेकिन जो जू जिन थी वो अभी भी उसी चेयर के ऊपर बैठी हुई थी जहाँ पे वो बैठी थी, उसके बस फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी। कुछ ही टाइम के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब लोग हॉल झुके यहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे बस दो ही लोग बच गए थे, एक लू फैंग और एक जू जिन। तभी जो लू फैंग होता है वो जू जिन के साइड में जाके बैठ जाता है, जू जिन उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम आ गए अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी इसलिए उसके आंखों के अंदर से काफ़ी सारा पानी निकलता रहा। इसी के बाद वो जू जिन के सर के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि अभी सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे लू फैमिली को कोई भी बुली नहीं कर सकता। इसी के साथ लू फैंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसने जू जिन के 30,000 मेल्स को इग्नोर किया था और इसी चीज़ के लिए उसको कहीं ना कहीं गिल्ट भी था। इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो लो फैंग होता है वो जू जिन को हक कर लेता है, जिसके बाद जो जू जिन होती है वो काफ़ी टाइम तक लो फैंग के चेस्ट के ऊपर सर लगा के रखती है, और इसी के साथ वो लोग काफ़ी सारे जो माइंड कनेक्शंस होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं और ये लोग मेंटली काफ़ी टाइम तक कन्वर्जेशन करते हैं और कई घंटों इसी तरीके से बैठे रहे। और इसी के साथ ये जो आज का एपिसोड है ये यहीं पे ख़त्म होता है। होप करता हूँ कि ये वाला जो एपिसोड है ये आप लोगों को देखने के लिए मज़ा आया होगा, और इससे ज़्यादा मज़ा आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आने वाला है, क्योंकि अभी जाके तो ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म हुआ है, बाकी फाइट्स वगैरह अभी नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगी। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।